किसी भी व्यक्ति की अगर आप एटलीस्ट 10 सेकंड तक आंखों में आंखें देखकर बात करेंगे तो सामने वाले के दिल की धड़कन आपके दिल की धड़कन की रफ्तार को पकड़ लेती है, यानी कि दोनों का दिल एक साथ धड़कने लगता है। जी हाँ, ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल लव फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और हम आपको कुछ एक ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिसको सुन के आपका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाने वाला है। एक ऐसा तथ्य मैं बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया में हर रोज करीब 30 लाख लोगों को सच्चा प्यार होता है और पहला प्यार होता है। तो अगर आप कभी कहें कि मुझे प्यार हुआ है, सच्चा प्यार हुआ है, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 29,99,999 लोग और हैं और रोज उनको प्यार होता है। तो ऐसे में ये प्यार, सच्चा प्यार, झूठा प्यार, इनसे थोड़ा बच के रहा करो। दूसरा फैक्ट ये है कि जिस भी व्यक्ति को आप आकर्षित समझने लगते हैं, कोई भी इंसान जब आपको भा जाता है तो उसकी छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत बड़ी बातें लगने लगती हैं, उसकी छोटी सी चीज भी आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने लगती है। अगर उसने एक घटिया सा भी जोक मारा हुआ होता है तब भी वो आपको बहुत अच्छा जोक लगता है और आप बहुत खिलखिलाकर हंसते हैं, और अगर वो छोटी सी कोई बात कह देता है तो भी वो आपको हर्ट कर जाती है। ऐसा ही एक फैक्ट और है कि जब भी आप किसी इंसान को पसंद करते हैं और वो इंसान जब आपको भाव नहीं देता तो एक अट्रैक्शन पैदा होती है जिसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन नॉर्मल अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। यानी कि जब हमें भाव नहीं मिलता उस इंसान से जिसको हम सच में भाव देना चाहते हैं और जिससे हम भाव की उम्मीद करते हैं, तो हम और ज्यादा उसको पसंद करने लग जाते हैं ना चाहते हुए भी, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन। आपको पता है कि हम लोगों को बोला जाता है कि स्माइल करते रहो, लोगों को इंप्रेस करना है तो स्माइल करो, और ये भी कहा जाता है हंसी तो फंसी। लेकिन पता है तथ्य क्या है कि लड़कों को ज्यादातर वो लड़कियां पसंद आती हैं जो कि स्माइल करती रहती हैं, लेकिन लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जिनका फेस ज्यादा स्माइली नहीं होता, जो ज्यादा खिलखिलाते ना रहे, अच्छे से एक छोटी सी स्माइल रखें। लेकिन ऐसा नहीं जैसे लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी स्माइल करती खिलखिलाती रहती हैं, तो लड़के तो पसंद कर लेते हैं लेकिन लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करती। और रिसर्च में ये चीज पाई गई है कि ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनको बैड बॉयज ही पसंद आते हैं। जो अच्छे नेचर के लड़के होते हैं, लड़कियां सिर्फ और सिर्फ उनसे एक अच्छी दोस्ती ही रखना चाहती हैं, लेकिन दोस्ती से जो आगे की चीजें होती हैं वो हमेशा जो होते हैं ना उठपटांग लड़के, जिनको हमेशा से हेट करना चाहती हैं, हमेशा से हेट करती हैं, गाली बकती हैं, चिढ़ती हैं, हमेशा उन्हीं को ही मन ही मन में चाहने लगती हैं। एक तथ्य यह है कि जब भी आपको कोई इमोशनल और बहुत ही प्यारी सी बात किसी के कान में फुसफुसानी हो, यानी कि ऐसे कहनी हो, तो हमेशा आपको बाएं कान में कहनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट ईयर में बोलनी चाहिए। इससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और सामने वाले को ज्यादा इमोशंस मालूम होते हैं। और अगर आपका फेस सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि दोनों तरफ से बराबर नहीं है, एक तरफ से ज्यादा पतला है, हल्का सा कहीं से ज्यादा मोटा है, तो आपको हमेशा बियर्ड रखनी चाहिए अगर आप पुरुष हैं तो, और अगर आप औरत हैं, अगर आप लड़की हैं, तो आपको हमेशा सनग्लासेस पहननी चाहिए, पहनते रहने चाहिए, इससे जो सिमेट्री होती है वो ज्यादा दिखती है। और जो लड़के के बियर्ड होते हैं, जो लड़के दाढ़ी वाले होते हैं ना, लड़कियां उनको ज्यादा समझदार और ज्यादा सेक्सी समझती हैं। और क्या आपको पता है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ होगा तो आपको पता होगा कि जब दिल टूटता है तो उससे टूटने से निकलने के लिए जो ताकत चाहिए होती है ना, वो सेम वैसी ताकत होती है जैसे कि हम किसी नशे को छोड़ने के लिए लगाते हैं। तो अगली बार जब आपका दिल टूटे तो समझ लो कि भैया आप ताकत लगने वाली है, यानी कि उसके ही बराबर है जैसे कि आपको सिगरेट छोड़ना पड़े। और पता है जो सच्चा प्यार सच में होता है ना, वो हमेशा सेक्स के बाद ही पता चलता है। तो अगर आप अगली बार कभी किसी से कहें कि मुझे सच्चा प्यार है, तो जब सेक्स अगर हो जाता है तो आपको पता चलेगा कि क्या ये सच्चा प्यार था या नहीं था। उसके बाद भी अगर वो प्यार दिख रहा है, आपको मालूम हो रहा है, तो सच में सच्चा प्यार है, अदरवाइज तो आपको पता ही हो क्या था। और आपको पता है वर्ल्ड की हर एक जगह में औरतें हमेशा से ही पुरुष, यानी कि जो लड़कियां होती हैं, वो जो अपने से बड़े लड़के होते हैं उनको पसंद करती हैं, और लड़के हमेशा अपने से छोटी लड़कियों को पसंद करती हैं। इसका रीजन ये है कि जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी समझदार हो जाती हैं, इसीलिए कहा गया है कि 18 साल लड़कियों की और शायद 21 साल लड़कों की होती है शादी करने की एज, यानी कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, इसीलिए वो अपने से ऊंचे यानी कि अपने से ज्यादा उम्र वाले लड़कों को पसंद करती हैं। और आपको पता है कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जब आप उसकी फोटो देखते हैं तो आपके मन की जितनी भी टेंशन होती है, जितना भी पेन होता है, वो सब कुछ दूर हो जाता है। और जब आप उसका हाथ पकड़ते हैं तो आपको एक ऐसी खुशी मिलती है जो कि सिर्फ नशे करने से मिल सकती है। तो जो नशा होता है ना, हाथ पकड़ने का भी एक अलग ही नशा होता है। पकड़ के देखा होगा तो आपको मालूम होगा, अगर आपने पकड़ा है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हाथ की बात कर रहा था। नेक्स्ट फैक्ट यह है कि सामने वाले को आप अपनी प्यार की बात ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं जब आप उसको फेस टू फेस समझाएं। खैर ये तो आपको लग रहा है पता होगा, लेकिन हम दिक्कत क्या होती है ना कि हम लोग अक्सर अपनी प्यारी बातें फोन पे ही बोलते हैं या मैसेजेस पे ही बोलते हैं। तो बस मैं आपको रिमाइंड करवा रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको उससे कोई प्यार भरी बातें कहनी हो तो लिखकर और फोन पे बोलकर नहीं, फेस टू फेस मिलकर आंखों में देखकर बताइएगा।
बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मालूम है डर लगता है, लेकिन करके देखिएगा। और ये बोला जाता है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी कि जिन दो व्यक्तियों में अपोजिट क्वालिटीज होती हैं, अपोजिट आदतें होती हैं, वो जल्दी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसा कहने की बात होती है। अपोजिट डजंट अट्रैक्ट। दिक्कत क्या होती है कि जिनकी आदतें सेम होती हैं, जिनकी बातों में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, वही अक्सर अच्छे दोस्त बनते हैं और दोस्त के बाद आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सब कहने की बात है अपोजिट अट्रैक्ट्स और ये समथिंग समथिंग करके। और आपको पता है लड़कियों में एक छोटी सी बीमारी होती है कि वो हमेशा बैलेंस करना चाहती हैं कि वो कितनी बार खुद आई लव यू बोल रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड को और उनका बॉयफ्रेंड कितनी बार उनको आई लव यू बोल रहा है, यानी कि आई लव यू हमेशा बराबर होना चाहिए। लड़कों ने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लड़कियां जरूर देती हैं, इसलिए वो अक्सर शिकायतें करती रहती हैं कि तुम मुझे बहुत कम आई लव यू बोलते हो, मैं तुम्हें कितना आई लव यू बोलती हूँ, तुम्हें भी बोलना चाहिए, तुम आई लव यू बोलो। तो ये चीज़ें होती हैं। और आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट पता है कि जो बच्चे दिखने में अच्छे होते हैं, जो बच्चे दिखने में अमीर लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, उनको हमेशा ही स्कूल में कम पनिशमेंट मिलती है और उनको हमेशा एक पढ़ने वाला बच्चा माना जाता है। आपने फेस ज़रूर किया होगा, मैंने तो किया ही है। और एक और तथ्य है कि जो लड़कियाँ दिखने में सुंदर होती हैं, वो अपने ससुराल में ज़्यादा इज्जत पाती हैं एज़ कम्पेयर टू वो लड़की जो दिखने में इतनी अच्छी नहीं होती। और एक फैक्ट ये है कि जब भी आप कहते हैं कि मुझे सच्चा प्यार हुआ है, या जब भी व्यक्ति प्यार करता है तो हमेशा फिजिकली अट्रैक्शन के साथ ही करता है, फिजिकल अट्रैक्शन ही इन्वॉल्व होती है। मैंने कहा ही इन्वॉल्व होती है, भी नहीं, ही इन्वॉल्व होती है। कोई भी स्वभाव, उसका नेचर कैसा है, वो अंदर से कैसा है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, कैसी बातें पसंद करता है, जिंदगी में क्या करना चाहता है, हम ये सब बातें नहीं देखते। यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोगों का ब्रेकअप हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अगली बार कभी भी प्यार कीजिएगा तो फिजिकली देख के भी करना, वो तो देखोगे ही देखोगे, लेकिन एक सजेशन है कि थोड़ा अंदर से भी देख लेना कि वो कैसा है इंसान, आपके साथ कंपैटिबल है भी या नहीं। और सुंदर चेहरा हमेशा से ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आपको क्या पता है कि जो बच्चे 2 से 6 महीने के बीच होते हैं ना, जो छोटे होते हैं, जिनको समझ नहीं आती, वो भी अक्सर उस इंसान की गोद में ज्यादा खेलते हैं जो सुंदर होता है दिखने में। जी हाँ, आपको नहीं पता होगा लेकिन यह सच है। और क्या आपने कभी सोचा है कि किस रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए? मैं आपको बताता हूं, अगर आप लड़के हैं और अगर आपको किसी लड़की को इंप्रेस करना है तो हमेशा ब्लू शेड्स के आपको कपड़े पहनने चाहिए। ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू और नेवी ब्लू और ओशियन ब्लू और ये ब्लू और वो ब्लू, जो भी शेड्स होते हैं ब्लू को, वो ब्लू पहनना चाहिए मेनली। और अगर आप लड़की हैं तो आपको हमेशा रेड पहनना चाहिए, कोई सा भी रेड, डार्क रेड, ये रेड, वो रेड। अब रेड का मुझे नहीं पता तो मैं क्या ही बोलूं। और आपने ये तो सुना ही होगा कि इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन जब हम प्यार के बारे में और अट्रैक्शन के बारे में जब हम कॉन्फिडेंट की बात करते हैं या कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि आप कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप जैसे भी हैं उसमें कितने कंफर्टेबल हैं। तो जब भी आपको किसी को अट्रैक्ट करना हो तो आप दिखने में कैसे भी हो, आपके अंदर कोई सी भी कमी हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी रियलिटी है, और उसमें खुश रहना पड़ेगा, तभी जो अट्रैक्शन वाला कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा दिख पाएगा। अदरवाइज आपको चीजें आनी चाहिए, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है। और आपको एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट पता है कि हमारे चैनल के जो बंदे होते हैं वो 70% ऐसे होते हैं जो कि लास्ट तक वीडियो देखते हैं लेकिन फिर भी लाइक नहीं करते। और मुझे लगता है कि आप भी उनमें से एक हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, उन 70% में ना हो। चलो आज इस फिगर को कम करते हैं और लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए साइकोलॉजिकल फैक्ट ऑफ लव के बारे में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना।